मैं कुछ सुनने के लिए नहीं आया था, पर अभी 5 मिनट का समय है तो मैं एक कविता सुनाता हूँ। एक कविता यहाँ पे मैंने सुनाई थी अलका दीदी के घर पे, और एक नया कवि है अमन अक्षर, दीदी ने उसको रिकॉर्ड किया था, उसने मुझे भेजने की कोशिश करती रही, मिली नहीं। तो पर एक कवि है, एक अमन अक्षर, 23 साल का बालक है, और मुझे लगता है कि देवी की कृपा है उसके ऊपर, वो जिस प्रकार के शब्दों का चयन करता है और जो लिखता है, तो मैं तो नतमस्तक हूँ उनके आगे। तो काफी अच्छी कविता है, और राम के बारे में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, अभी कोर्ट निर्णय करने वाला है, तो जो कोर्ट दशहरा दिवाली की छुट्टी मनाता है वो ये तय करने वाला है कि राम थे या नहीं थे, और वही कोर्ट ये तय करने वाला है कि राम के क्या सबूत हैं, क्या प्रमाण है। तो बहुत ही व्यंगात, बहुत ही अजीब सी एक बात लगती है। और जो राम है भारत की संस्कृति में, वो मूल रूप से वो व्यक्ति नहीं है, वो चरित्र नहीं है, वो एक भाव है। हम जब मिलते हैं तो भी हम कहते हैं राम राम, जब हम चले जाएंगे तब भी कोई कहेगा राम नाम सत्य है। तो राम जो है वो की किसी भावना की अभिव्यक्ति है, जब खुशी होती है तो हम कहते हैं वाह राम, और जब दर्द होता है तो कहते हैं हे राम। तो राम जो है भावनाओं का एक पुंज है, और उसी बात को कहने के लिए मैं कहता हूँ, कुछ लोग महफिल के लोग नहीं थे शायद, उनको पहली बार सुनेंगे मेरे मुंह से, पर अमन अक्षर ने सुनाई है, तो अलका दीदी है तो हाँ मैं सुनाऊं ये वाली कविता। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और राम राम तब बने जब वो वन गए, अगर वो वन नहीं जाते सीता के साथ में, तो शायद एक राजकुमार रह के किसी कहानी के पात्र हो जाते। तो हम सब लोगों को अपने मन का राम ढूंढने के लिए किसी न किसी तपस्या के मार्ग पर से गुजरना होता है, और शायद यही चार पंक्तियां इस भाव को बताती हैं। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाट त्याग पुण्य कर्म की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी भी, ना तो दाम ना किसी भी, नाम की तलाश में राम वन गए थे अपने, राम की तलाश में राम वन गए थे अपने, राम की तलाश में। आपसे ही आपका, आपसे ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और राम क्या थे, मतलब ईश्वरीय अवतार जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए, जिन्होंने पुरुष के रूप में जन्म लिया और मर्यादा को निभाएंगे, ही विल गो वाज अबाइड विद लॉ। हम कृष्ण को कहते हैं कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, तो ही प्लेड विद कॉन्टेक्स्ट व्हाट वाज राइट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ट्रुथ, ही ऑलवेज यूटिलाइज द कॉन्टेक्स्ट। बट राम ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनूंगा, लीला पुरुषोत्तम नहीं, और ही अबाइडेड टू द लॉ। ढाल में ढले स्वमय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम जिस पथ पे चले वो राम ही चल सकते हैं, शायद किसी और का चलना नामुमकिन है। दुख में भी अभाव का, दुख में भी अब, और जब हमारे को दुख होता है तो हम राम राम कहते हैं, और उसी को पंक्ति अभिव्यक्त करती है। दुख में भी अभाव का, अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचिया बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और इस मनुष्यता के ऋणों को उतारने के लिए एक अभिशापित होकर राम को इस धरती पर आना पड़ा, तो क्यों आए और उन्होंने किस प्रकार के दुख सहे, किसके लिए सहे? ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो
मन को मारते रहे, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष, एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे, जान की तो जीत गई राम हारते गए, जान की तो जीत गई राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, सारे दुख कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। और जब श्री राम अभी विजयादशमी से हम निकले हैं, जब उसके बाद में वापस अयोध्या लौट कर आए, तो राम तो लौट कर आए और उसके बाद वो चले गए, उन्होंने जल समाधि ले ली। और लोगों के दुख को आप समझिए, 14 वर्ष तक वो पलक पावने बिछाकर बैठे रहे, भरत अपनी पादुका लेकर बैठे रहे कि राम आएंगे, राज करेंगे। और जब वो राम राज आने लगा तो राम स्वयं कुछ समय के बाद में जल समाधि में चले गए। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस, राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। और ये अंतिम छंद है कविता का, इसके बाद हम लोग गीत सुनेंगे उनका। जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। Thank you, Tez, for reminding us.